देश में अब सस्ता होगा प्याज, सरकार ने लगाई एक्सपोर्ट पर तत्काल रोक। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज के सभी किस्मों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल मार्केट में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें भी कम होंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया, प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। बता दें, DGFT वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है और आयात निर्यात के मामलों को देखता है। माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक ने दिखाया अंगूठा और एकल के साथ डील हुई पक्की। चीन की कंपनी बाइटडांस की शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने की रेस में अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बाहर हो गई है। टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी कंपनी को बेचने के लिए ओरेकल को चुना है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को मामले से जुड़े लोगों के हवाले से खबर मिली। इस डील के लिए दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक ओरेकल इस सौदे में बाइटडांस का टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा और अमेरिका में टिकटॉक के यूजर डेटा का मैनेजमेंट देखेगा। सूत्रों के मुताबिक ओरेकल टिकटॉक के अमेरिका कारोबार में हिस्सा लेने के लिए भी बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बाइटडांस के कुछ बड़े निवेशकों जैसे जनरल एटलांटिक और स्क्वाया को भी टिकटॉक ने अमेरिकी कारोबार में माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनाया है। 20 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही मोदी सरकार, 6 पर ताला लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 20 सरकारी कंपनियां और इनकी इकाइयों के हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 6 को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश के लिए रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री नीति का पालन करती है। जिन कंपनियों को सरकार बंद करने पर विचार कर रही है, उनमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल है। एमएसएमई के बकाया का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करें कंपनियां। एमएसएमई मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि वो लघु एवं मंझोले उपक्रमों के बकाया का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करें। मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि लघु एवं मंझोले उपक्रमों के परिचालन और नौकरियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। बता दें, मंत्रालय ने देश के शीर्ष 500 कॉरपोरेट समूहों के साथ ये मुद्दा उठाया है। मंत्रालय की ओर से इन कंपनियों के मालिकों, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों तथा शीर्ष कार्यकारियों को इस बारे में ई पत्र भेजा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस भुगतान से लाखों ऐसे चेहरों पर खुशी लौट सकती है जिनकी आजीविका का जरिया एमएसएमई क्षेत्र का उपक्रम है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।